घर में कोई सब्जी ना हो तो बहुत टेंशन हो जाती है कि क्या बनाएं। तो इसी टेंशन को ख़त्म करने के लिए आज हम बना रहे हैं पितौड़ की सब्जी। राजस्थान की बहुत ही फेमस सब्जी है, जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप बेसन और आधा कप दही। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, हींग 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे इसमें पानी डालना है, लम्स ख़त्म करने हैं, इसलिए हम धीरे धीरे पानी डाल रहे हैं। एक साथ पानी डालने से लम्स नहीं जाएंगे और बैटर हमारा तैयार हो गया है। यहाँ मैंने एक स्टीम करने के लिए एक बाउल लिया है, उसमें मैंने ग्रीसिंग कर दी थी और इसमें वो डाल दिया है। यहाँ स्टीमर मेरा बिल्कुल तैयार है, इसमें मैंने रख दिया है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। 15 मिनट के अंदर बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है। यहाँ हम मसाले के लिए तैयारी कर लेते हैं। यहाँ लिया था दही, दही में हम डाल रहे हैं चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये भी लम्स फ्री होना चाहिए। ये तैयार हो चुका है और यहाँ हमारा स्टीम भी हो चुका है बेसन। इसको ठंडा होने के बाद कट के निशान लगाएंगे। गरम गरम में लगाएंगे तो वो ढंग से कट के निशान नहीं लग पाएंगे, इसलिए ध्यान रखें। देखिए कितनी अच्छी तरीके से स्टीम हुआ है, बहुत सॉफ्ट बने हैं ये। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था 2 चम्मच और डाल दिया है अजवाइन और जीरा, थोड़ी सी हींग और चॉप्ड ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता थोड़ा अच्छा सा, ज़्यादा सा डालें, बड़ा अच्छा लगता है। और थोड़े से पितौड़ जो हमारा बेसन का बना था उसको क्रम्बल करके हमने डाल दिया है ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। थोड़ा सा भून दिया है और जो हमने दही का मिक्सचर तैयार किया था मसाले के साथ में उसको इसमें डाल दिया है। ये डालते समय ध्यान रखें कि गैस हमारी बंद हो। अब इसे लगातार चलाएंगे। यहीं बीच में हम गैस को अब ऑन कर देंगे और लगातार चलाते चलाते जब कलर चेंज होने लगेगा और उबाल आ जाएगा तब तक हमें चलाना है। अब हमने 2 मिनट के लिए रख दिया था कुक होने के लिए। देखिए बहुत अच्छा मसाला तैयार हो चुका है हमारा। अब इसमें डालेंगे हम पानी। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं पानी को। जो हमारे पितौड़ बन के तैयार हो गए थे इसे हमने इसमें डाल दिया है और डाल रहे हैं इसमें गरम मसाला और नमक। आपने देखा नमक मैंने लास्ट में डाला है, शुरू में इसलिए नहीं डाला ताकि दही हमारा फटे नहीं। और इसे 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे स्लो गैस पे। बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए कलर भी इतना अच्छा आया और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। हरा धनिया डाल दिया है। लीजिए बनके तैयार हो गई हमारी पितौड़ की सब्जी। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए। ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हम मिलते रहेंगे। और अगली वीडियो के आने तक के लिए बाय बाय।